वेलकम डिजिटल हेयरिंग एड सेंटर, चांदनी चौक दिल्ली। आज मैं आपको बताना चाहूँगा क्रॉस हेयरिंग एड के बारे में। क्रॉस क्रॉस बी क्रॉस, कोई क्रॉस कहता है, कोई बी क्रॉस कहता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो उसके बारे में बताना चाहूँगा, या आप इस तरह से समझिए, आपका एक कान प्रॉपर डेड है, एक कान में टोटल बहरापन है, दूसरा सही है, तो इस तरफ की आवाज़ आपको कम आती है। तो उसका क्या उपाय है, क्या सॉल्यूशन है? एक कान का बहरापन कह सकते हैं और दूसरा आपका एकदम ठीक है, तो आपको इस तरफ की आवाज़ नहीं सुनाई देती, वो आवाज़ इस तरफ कैसे सुनाई दे, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को भी मोटिवेशन होगा और अच्छे वीडियो बनाने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, अब बात करते हैं। देखिए, क्रॉस हेयरिंग एड, दो हेयरिंग एड होते हैं। दो हेयरिंग एड में एक हेयरिंग एड आपका ठीक होता है, मतलब चालू होता है, दूसरा केवल डाइवर्शन के लिए लगाया जाता है। मशीन हेयरिंग एड जो है दोनों कानों में लगता है। क्रॉस में एक कान आपका बिल्कुल ठीक होता है। कहने का मतलब यह है, अगर ये मेरा लेफ्ट ईयर एकदम ठीक है और राइट ईयर डेड है, मतलब ख़त्म है, मतलब काम नहीं कर रहा राइट ईयर, और लेफ्ट ईयर एकदम काम कर रहा है, तो मेरे को इस तरफ की आवाज़ नहीं आएगी, सारी आवाज़ें इस तरफ से आएंगी लेफ्ट ईयर ईयर से। तो मैं सुनने के लिए क्या करूँगा, कोई बोलता है तो मानिए राइट ईयर से इधर से आवाज़ नहीं आई, तो मैं सुनने के लिए कान को इधर ले जाता हूँ। ऐसा नहीं करना है, इसके लिए एक हेयरिंग एड आता है जो आपकी इस तरफ की आवाज़ को इस तरफ देगा, इसको क्रॉस हेयरिंग एड कहते हैं। क्रॉस हेयरिंग एड में एक हेयरिंग एड डेड पोजीशन पे लगेगा, जो कान ख़त्म है, मतलब राइट ईयर मेरा डेड है, तो राइट ईयर में क्रॉस लगेगा और एक हेयरिंग एड इस कान में लगेगा। तो उसका क्या काम होगा, ये वाला हेयरिंग एड सारी आवाज़ों को ट्रांसमिट करके वायरलेस कनेक्शन के द्वारा इस कान में देगा, मतलब जो आवाज़ इधर से आएगी हेयरिंग एड उसको इधर डाइवर्ट कर देगा। इसको कहते हैं क्रॉस हेयरिंग एड। क्रॉस मतलब क्रॉस हो गया, ऐसे करके ऐसे आवाज़ चली गई। तो दो हेयरिंग एड लगेंगे, क्रॉस में एक इधर एक इधर, इसमें स्पीकर नहीं काम करेगा रिसीवर, और सारी आवाज़ माइक्रोफोन के थ्रू इधर आ जाएगा, इसको कहते हैं क्रॉस हेयरिंग एड। क्रॉस हेयरिंग एड, अब बी क्रॉस क्या होता है, सवाल ये है। कई बार आप देखेंगे क्रॉस लिखा होगा, कई बार बी क्रॉस लिखा होगा। बी क्रॉस में होता यह है, एक कान प्रॉपर डेड होता है, दूसरा थोड़ा डेड होता है, मतलब मॉडरेट डेड होगा या सीवियर डेड होगा, उस सिचुएशन को बी क्रॉस कहते हैं। बी क्रॉस में क्या होता है, क्रॉस और बी क्रॉस का अंतर आप समझ गए होंगे। क्रॉस में एक कान एकदम ठीक होता है, एक डेड होता है, और बी क्रॉस में क्या होता है, एक कान थोड़ा डेड होता है, मतलब 40-50, दूसरा प्रॉपर डेड होता है, तो उसकी आवाज़ भी उधर आनी चाहिए। मतलब बी क्रॉस में आपका दोनों कान में लॉस होता है, एक प्रॉपर डेड होता है, दूसरा कम खराब होता है, तो वो डाइवर्ट कर देता है। बी क्रॉस में माना आपका हेयरिंग लॉस यहाँ 60 है और यहाँ डेड है, तो यहाँ 60 डेसिबल पर प्रोग्राम होगा एक हेयरिंग एड, उसमें रिसीवर भी होगा, और इधर की आवाज़ बी क्रॉस इसमें लगेगा, इधर आएगा। तो क्रॉस बी क्रॉस आप समझ गए होंगे, क्रॉस में केवल एक कान डेड होता है, बी क्रॉस में एक डेड होता है और दूसरा थोड़ा डेड होता है, ये होता है क्रॉस बी क्रॉस। अब बात करते हैं कि कैसा हेयरिंग एड लें। बी क्रॉस में RIC ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, रिसीवर इन द कैनाल हेयरिंग एड ज़्यादा प्रेफराइज होता है, और इसके एडवांटेज भी होते हैं कि डायरेक्शनलिटी, एक कान पे लोड ज़्यादा नहीं पड़ता, तो क्रॉस बी क्रॉस लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, आवाज़ डाइवर्ट हो जाती है, आपका प्रेशर कम पड़ेगा, तो जो कान बेटर है वो आगे फ्यूचर में डेड नहीं होगा, लॉस नहीं होगा। किस कंपनी का लें, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, ऑर्टिकॉन है, फोनेक है, सिग्निया है, वाइडेक्स है, रिसाउंड है, बहुत सारे मल्टीपल ब्रांड्स हैं, उनका हेयरिंग एड आप ऑडियोलॉजिस्ट से क्रॉस बी क्रॉस ले सकते हैं। अगर आप दिल्ली में आ सकते हैं, दिल्ली से ले सकते हैं, या मॉडल पता है तो मेरे को कॉन्टेक्ट कर दीजिए, मैं भी आपको हेयरिंग एड प्रोवाइड कर सकता हूँ अच्छे रेट पे, गुड डिस्काउंट पे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्रॉस बी क्रॉस आपको समझ आ गया होगा, क्रॉस बी क्रॉस का एडवांटेज भी बहुत होता है, जिस कान जो कान डेड है उधर की आवाज़ें नहीं आती, तो आपको बार बार इस तरफ फेस नहीं करना पड़ेगा, क्रॉस के जरिए आपको आवाज़ उस कान में आ जाएगी। थैंक यू सो मच।